नमस्कार, मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आचार्य वर्षा जोशी। आज हम लोग बहुत ही महत्व विषय पे बात करने वाले हैं, वो है पिरामिड। हाँ, जैसे आपको मालूम है, वास्तु और पिरामिड ये तो जुड़वा शब्द है। जिधर वास्तु का सब्जेक्ट आ जाता है उधर पिरामिड तो आता ही है। तो महावास्तु में पिरामिड का क्या महत्व है और पिरामिड हमेशा ऑस्पिशियस रहता है, ये एक मिथ है, मैं आपको ये बता रही हूं। मैं आशा करती हूं कि सभी ने नोटपैड अपने पास और पेन रखा है। पिरामिड एक महत्वपूर्ण टूल है। विचार पूर्वक उसका इस्तेमाल करेंगे योग्य दिशा में तो 108 गुना पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन यही पिरामिड गलत जोन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कौन से जोन है यानी कौन सी डिरेक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। पिरामिड्स ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। पिरामिड हमेशा जमीन पे रखना चाहिए। नॉर्थ और साउथ एक्सिस अलाइन करके रखेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है। दूसरी बात, पिरामिड कभी भी डोर पे, सीलिंग पे, नहीं तो वॉल पे हैंग मत कीजिए। वो हमेशा जमीन पे ही रखना है, क्योंकि जब भी पिरामिड आप जमीन पे रखेंगे, नॉर्थ और साउथ एक्सिस अलाइन करेंगे, तभी उसकी एनर्जी 108 गुना बढ़ जाती है। पिरामिड्स आप ईस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। पिरामिड का जो मटेरियल रहेगा वो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि वुडन और प्लास्टिक। पिरामिड्स जो जोन में रखेंगे वो जोन की एनर्जी तो बढ़ जाती है। जैसे आप नॉर्थ में रखेंगे तो मनी रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए काम में आएगा। नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो हेल्थ रिलेटेड, वेस्ट में रहेंगे तो सेविंग्स रिलेटेड इशू में पिरामिड्स आपकी मदद कर सकता है। तो हमेशा पिरामिड परमिसिबल जोन में ही आवश्यकता होने पर ही रखने चाहिए। जैसे किसी का टॉयलेट हाई एनर्जी जोन पे है और निगेटिव एनर्जी है तो पिरामिड्स उधर रखने के बाद बैड इफेक्ट्स और बैड एनर्जी रिमूव हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि पिरामिड का इस्तेमाल योग्य दिशा में और आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए। धन्यवाद।